हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन है, तो IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन में जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह आता है तो उसमें फ्लैश लाइट वगैरह को कैसे शो कर सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन की कैमरा फ्लैश लाइट है उसको कैसे शो कर सकते हैं नोटिफिकेशंस में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, सिंपली आपके आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन स्लाइड को शो कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो स्लाइड करते ही आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे चले जाना है। तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप नोटिफिकेशन स्लाइड को इनेबल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ्लैश नोटिफिकेशन का, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नोटिफिकेशन स्लाइड को भी इनेबल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन स्लाइड इनेबल कर पाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो, नोटिफिकेशन स्लाइड को भी इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हो, लाइट वगैरह को नोटिफिकेशन में शो कर सकते हैं और साथ में इनकमिंग कॉल्स वगैरह में भी आपकी फ्लैश लाइट शो करेगी कैमरा की, क्योंकि हमने इसको ऑन कर रखा है। एंड आप ऑफ कर देते हैं तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, और इनेबल करके आप इसके जरिए नोटिफिकेशन लाइट को अपने नोटिफिकेशन में शो कर सकते हो और इनकमिंग कॉल्स में भी शो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।